वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या नाम है आपका? फराज अहमद। फराज अहमद, ओके। फराज वाला कोई काम है? कभी शेर व शायरी की है? जी बिल्कुल। अरे वाह, अच्छा खुद का लिखा हुआ कोई शेर बताओ। अपनों में जी रहे हैं गैरों की तरह, ये मेरा अपना शेर है, लेकिन मुझे जो एक शेर पसंद है वो वही है कि यूं बारिशों से दोस्ती तेरी अच्छी नहीं, फराज कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। आए हाय हाय हाय। चले जी सवाल करते हैं। ठीक है, आप एक बोट है, कश्ती है, उसमें जा रहे हैं, टक्कर के वो टूटी और उसमें होल हो गया और ये पानी उसमें भरी जा रहा है और वो श्रुम श्रुम डूबने के करीब है, कभी इधर गिर रही है कभी उधर गिर रही है, चारों तरफ बड़ी बड़ी शार्क्स हैं जो शें शें कर रही है, क्रोकोडाइल है जो सोच रहे हैं डिनर का टाइम है और उनका दिल कर रहा है वो जल्दी से आपको खा जाए, ये सिचुएशन है और आपने खुद को बचाना है, आप कैसे बचाएंगे? पहली बात तो मैं ऐसी जगह पे लेने क्यों ऐसी जगह पे जाऊंगा? पहुंच गए, हमने भिजवा दिया आपको। मेरा नहीं ख्याल कि मैं वहां से बच के निकल सकता हूँ। अच्छा खत्म खत्म। क्या सुनाएंगे आप? जो आप सुनेंगे ना? बिल्कुल। मैंने तो बेटा ऐसे ऐसे गाने सुने कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे कानों से खून आ गया था। मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। अच्छा होगा अगर आप अपनी पसंद से कुछ सुनाएं। मैं अपनी पसंद से सुनाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर तारीफ करूंगी। प्रॉमिस। हाँ। ओके। मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना, चुप कैसे आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना, ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है, आऊ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी, है सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर के तेरी सांसें चलती जिधर, रहूँगा बस वहीं उम्र भर, रहूँगा बस वहीं उम्र भर, है। वाह अमेजिंग, वाकई में बहुत अच्छी आवाज है। शुक्र है मैंने कुछ अच्छा सुना। ये ललाई न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू जी। बहुत ही टैलेंटेड बॉय था, बहुत अच्छा गाना सुनाया इसने। अच्छा मैंने ना रिसेंटली हम लोगों को कहते बॉय एक मूवी, अच्छा लोग पसंद नहीं करते आप उनको, खासतौर से जो यंग लड़के होते हैं वो बॉय होते हैं। मैंने मूवी देखी अक्वामैन, तो उसमें कहता है यू आर द समवन विद द फिशी बॉय, तो वो खड़ा कहता नो मैन अक्वामैन, तो उसमें उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, तो मुझे मैन कहना ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहबाज खान। क्या करते हो? मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ। ओके, प्लीज सामने देखिए, मुझे बताएं इंसान का दिमाग 24 घंटे में सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है? जब रात को सोते हो। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में कुछ चल नहीं रहा होता। पक्का? हां आई एम डैम श्योर। चलो तालियां बजाओ अपने लिए। क्या सुनाओ जो आप कहेंगे? आपकी मुझे क्या पता आपको क्या आता है। एनीथिंग सॉन्ग आपको जो पसंद हो मैं वो सुना देता हूँ। सॉन्ग एनीथिंग। ठीक है, थैंक यू। आपके लिए रेफर होगा। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है, तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खामखा तू लाजमी, तू ही रजा तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों में मेरे पास लाया है, होंठों पे तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया
दिस इज फॉर यू मैम. शुक्रिया. थैंक यू जी. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट ये लें. वेलकम जी. अच्छा सा गाना सुना आपने, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम अली. अली क्या करते हो? मैं एक छोटा सा कैमरा मैन. छोटा सा तो नहीं. चलो जी सवाल करते हैं जी. चले मुझे बताएं इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है इंग्लिश में? उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद कुछ भी नहीं आता. क्यों नहीं आता? बे आता. नहीं बे नहीं आता. बे आता है. चलो सवाल बदल देते हैं. एक लड़का लड़की बाइक पे जा रहे थे, पुलिस वाले ने उन्हें रोका, लड़की से पूछा कि आपके क्या लगते हैं, तो लड़की ने कहा इनके मामू मेरे मामू को मामू कह के बुलाते हैं. तो उनका क्या रिश्ता हुआ? इनके मामू मेरे मामू को मामू कह के बुलाते हैं. इनके मामू मेरे मामू को मामू कह के बुलाते हैं. उसके भी मामू ही हुए तो दोनों के सेम मामू होने. उसका मामू इसके मामू को मामू कहता है. इसके मामू के मामू कहता है. वो फिर उसका दादा हो गया. नहीं दादा कहाँ बाइक चलाएगा. मामा होगा फिर. क्या सुनाओगे आप? मैं आपको एक चौरी शुजात साहब की सिख के साथ एक दफा मुलाकात हुई. अच्छा आप वहाँ पे थे कह सकते हैं आप. अच्छा जेले जी फिर बताएं जी. सामने क्या हाल भाजी? ठीक हो? ओ भाजी कैसे हो तुसी? मैं सुनया तुहानू बाजार शदारत लभ गई. ओ नहीं नहीं मैनू बाजार नहीं लभी, ओ छोटन लभी. पेजनू जानते हो ना. ओ चोई साहब ताडा ते असी सुनया कि तुसानू वजारतां लभियां ने, तुसी कहंदे हो छोटे नू लभी. छोटा नहीं ओ नहीं नहीं गल इंज है कि जदों बाजार लभ जाए ना उदों फिर कोई किसी नू मूँह नहीं लांदा. ए मेरे तो छोटा लेकिन सरदार जी वो मैनू मूँह नहीं लाता. तो भाजी ताडे बारे तो मशहूर है, ताडे दोवें भरावां दे विच प्यार ही बड़ा. सरदार जी प्यार प्यार प्यूर की है? एहो जी गल कोई नहीं. अब मैं की समझ तुस गए हो. ओ नहीं भाजी ताडा प्यार तो मशहूर है लेकिन नहीं 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 कोई ऐसी गल नहीं. तो खुदा हाफिज सरदार साहब. खुदा हाफिज. ओ नहीं नहीं भाजी गल तो सुनो साढ़े असी ताडे मुल्क आए हैं पर नहीं 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 सुभा जी. खुदा हाफिज. अमेजिंग वेरी वेरी नाइस. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए खुश है जी. बहुत ज्यादा जी. बड़ा अच्छा लगा. जुड़ गई. छोड़ो जी. जी नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ. बहुत अच्छा क्राउड था, सब ने बहुत अच्छी चीजें शेयर की. चले जी अब आपके आज के दो सवाल बता दूं. इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? तो इंग्लिश में ई के बाद एन आता है. इंग्लिश ठीक है. चले और आपका दूसरा सवाल, वो क्या चीज थी जिसका 2018 में खात्मा हो गया और हमें कभी नजर नहीं आएगी? तो वो है 2018, क्योंकि माशाल्लाह से 2019 जो है वो चल रहा है. काला खैर का साल बनाए हमारे लिए. अपना ख्याल रखें. बूझो तो जीतो. जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार शाम को 7 बजे देखें, जो अगले सुबह 5 और 11 बजे रिपीट होगा. डोंट फॉरगेट टू वॉच. अपना ख्याल रखें. मुझे अलीना हारून को इजाजत है. अल्लाह हाफिज़.